अतवाद के काले दिनों के दौरान गिरफ्तार किए गए सिखा के परिवारक मैंबर श्री दरबार साहब विखे मत्था टेकन पहुंचे। इस मौके इन्हों परिवार की अगवाई भाई गुरबख्श सिंह खालसा ने की। भाई गुरबख्श सिंह इन्हों बंदी सिखा की रिहाई लिए मोहाली भुख हड़ताल भी कर चुके हैं। इस मौके उन्होंने वालों इन्हों सिखा के परिवारक मैंबर श्री अकाल तख्त साहब विखे अरदास की गई और एक मंग पत्र अकाल तख्त साहब के जथेदार के दफ्तर में भेजा। इस मंग पत्र संबंधी भाई गुरबख्श सिंह ने दसाया कि उन्हें अपने मंग पत्र दे विच चार मंगा रखिया ने। उन्हां दा कहना है कि जेकर यह मंगा पूरियां ना होईयां तां उह 31 अगस्त तो मुड़ भुख हड़ताल उत्ते बैठणगे। भाई गुरबख्श सिंह ने कहा कि अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने पहला वादा कीता सी कि उह बंदी सिखां दी रिहाई लई उपराला करनगे, पर 8 महीने बीत जाण उत्ते कोई भी कदम नहीं चुक्या गया। असीं 10 अगस्त नूं गुरद्वारा अम साहब तों मोहाली तो अरदास करके गुरु चरणा च श्री अकाल तख्त साहब वास्ते आने वास्ते चाले पाए सन कि असी पैदल आना, एक एक कदम जिहड़ा वह पैदल चल के आना, किसी गड्डी ते नहीं बैठना। अरदास इत्थे ये करनी है गुरु हरगोबिंद पातशाह दे चरणा में, सच्चे पातशाह जी हो तुसी कृपा कीती सी कि 52 राजे ग्वालियर के किले विचों रिहा करवाते सन, आप कृपा करो इन्हां बंदी सिंघां नूं, इह गरीब सिखां नूं भी तुसीं रिहा करवा दिओ। वह अरदास असीं अज इत्थे पहुँच के अकाल तख्त साहिब ते कीती है। तो सिंह साहिब नूं मैं अपने वालों ते परिवारां वालों बेनती पत्र सौंपिया है। सिंह साहिब ते है नहीं इत्थे, उन्हां दे जिम्मेवार जिहड़े भी सन उन्हां नूं असीं वह मंग पत्र देता। अकाल तख्त साहिब तो मैनूं सदा ही आस है, ठीक है, जथेदार तो मैं कोई आस नहीं करता। हाँ, ना मैं उन्हां दी शान दे बारे खिलाफ कुछ बोलांगा, ना मैं कहण नूं तैयार हाँ। ये जथेदार साहब ने सोचना, मैं इन्हां नूं जथेदार साहब नूं उत्थे पहुंचे नूं नमस्कार की हुई है, जिहड़ा सिख की गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर कहीं शीश नहीं झुकांदा, ते मेरा नूं शीश झुकाया सी। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे वी किते वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानूं फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।